हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में पहले महीने से नौवें महीने तक आपके बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। हर स्त्री के लिए माँ बनना जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है और प्रेगनेंसी का हर दिन उसके लिए स्पेशल पल होता है। ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान महिला हर पल अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में सोचती रहती है। उसे ये जानने की बड़ी ही उत्सुकता रहती है कि कैसे उसका बच्चा डेवलप हो रहा है, कौन से महीने में बच्चे के कौन कौन से अंग का डेवलपमेंट होता है, वो दिखता कैसे है। वैसे आजकल मेडिकल साइंस इतना विकसित हो चुका है कि अब डॉक्टर गर्भ में पल रहे बच्चे की तस्वीर तक पेरेंट्स को दिखा देते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अभी तक इससे अनजान हैं। तो उनके लिए आज हम बताने जा रहे हैं कि पहले से नौवें महीने तक बच्चा किस तरीके से माँ के गर्भ में डेवलप होता है। उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। फ्रेंड्स, नॉर्मली महिला को शुरुआत में तो पता ही नहीं होता कि वो कंसीव कर चुकी है। पीरियड के चौथे हफ्ते यानी 28 दिन के बाद भी पीरियड्स नहीं आते हैं तो प्रेगनेंसी का टेस्ट करना चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया है तो कंसीव करने के कारण थोड़ी कमजोरी, थकान, अचानक मूड बदलना, उल्टी आने की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद जैसे जैसे भ्रूण का डेवलपमेंट होता है उसके आसपास पानी की थैली बनने लगती है जो उसके लिए तकिए का काम करती है। इसी दौरान प्लेसेंटा भी बनने लगता है। ये माँ और बेबी दोनों को जोड़ता है जिससे 9 महीने तक माँ के पोषक तत्व शिशु को मिलते रहते हैं। पहले महीने में बेबी का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। साथ ही साथ ब्लड सेल्स भी बननी शुरू हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन भी शुरू हो जाता है। पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। उसकी लंबाई केवल आधा सेंटीमीटर तक होती है। हालांकि इस दौरान बेबी की जो लंबाई है और वजन है उसमें बढ़ोतरी होती है। दूसरे महीने में चेहरा और भी डेवलप होने लगता है। धीरे धीरे भ्रूण के दोनों कान बनना शुरू हो जाते हैं, दोनों हाथ और पैर, उनकी उंगलियां, फूड पाइप और हड्डियां बनना शुरू हो जाती हैं। छठवें सप्ताह में बेबी की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी जा सकती है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनने वाली न्यूरल ट्यूब बन जाती है। बेबी में थोड़ी सी महसूस करने की क्षमता पैदा होने लगती है। इस महीने के अंत तक बेबी विकसित होकर 1.5 से 3 सेंटीमीटर तक का हो जाता है और उसका वजन 1 ग्राम होता है। तीसरा महीना शिशु के विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, इसलिए इसे पीरियड ऑफ ऑर्गन जेनेसिस भी कहते हैं। इस समय शिशु के वोकल कॉर्ड्स बन चुके होते हैं और शिशु सिर ऊपर उठा सकता है। हालांकि आकार बहुत छोटा होने के कारण उसकी हलचल फील नहीं की जा सकती। वहीं अंगों की बात करें तो उसकी आंखें बन चुकी होती हैं, पलकें अभी भी बंद होती हैं। इसके अलावा उसके हाथ, उंगलियां, पैर, पंजे और पैरों की उंगलियां, नाखून इस महीने में डेवलप हो रहे होते हैं। इस महीने के अंत तक दिल, लीवर और यूरिनरी सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देता है। ये बेबी के विकास का क्रिटिकल समय होता है, इसलिए प्रेग्नेंट महिला को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय छोटी मोटी समस्या होने पर महिला को बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बेबी के विकास का पहला चरण 3 महीने में पूरा हो जाता है, इसलिए इसके बाद मिसकैरेज होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तीसरे महीने के अंत तक बेबी की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर होती है और वजन लगभग 4 ग्राम होता है। प्रेग्नेंट महिला का शिशु से भावनात्मक रूप से लगाव होना शुरू हो जाता है। चौथे महीने में आंखें, भौहें, नाखून, प्राइवेट पार्ट्स ये सब बन जाते हैं। दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। अब बेबी सिर घुमाना शुरू कर सकता है, अंगूठा चूसना शुरू कर सकता है। इस महीने फीटल डोपनर मशीन से माँ बच्चे की धड़कन को पहली बार सुन सकती है। नॉर्मली इस समय तक डॉक्टर आपको डिलीवरी की तारीख तक दे देते हैं। शिशु का वजन 100 ग्राम तथा लंबाई 11.5 सेंटीमीटर होती है। पांचवें महीने में बच्चा कुछ समय गतिशील रहता है तो कुछ समय शांत रहता है। इस समय उसके सर के बाल बनना शुरू हो जाते हैं। कंधा, कमर और कान बालों से ढके होते हैं। ये बाल बहुत मुलायम और भूरे रंग के होते हैं। ये बाल जन्म के बाद पहले सप्ताह तक झड़ जाते हैं। इसके अलावा शिशु पर एक वैक्स जैसी कोटिंग होती है जो जन्म के समय निकल जाती है। इस समय तक शिशु की मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं, इसलिए वो हलचल शुरू कर देता है जिसे माँ फील कर सकती है। महीने के अंत तक 300 ग्राम और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर हो जाती है। छठवें महीने में शिशु का रंग लाल होता है। इसमें से धमनियों को देखा जा सकता है।
इस समय शिशु की महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो साउंड या म्यूजिक को महसूस कर सकता है, उन पे आपको रिएक्शन देने लगता है। छठवें महीने में बच्चे की आंखें पूरी तरीके से विकसित हो जाती हैं, साथ ही पलकें भी खुलनी और बंद होना स्टार्ट हो जाती है, जबकि उसकी त्वचा झुर्री भरी और लाल रहती है। छठवें महीने में बच्चा रो सकता है, आपको लात मार सकता है, उसे हिचकी आ सकती है। इस महीने के अंत तक उसका वजन 600 ग्राम और लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाती है। सातवें महीने में शिशु में फैट बढ़ने लगता है, उसकी आवाज सुनने की क्षमता और भी बढ़ जाती है, लाइट के प्रति अपना रिएक्शन देता है और जल्दी जल्दी अपना जो स्थान है वो चेंज करता रहता है। इस समय तक शिशु इतना विकसित हो चुका होता है कि इसकी किसी कारण से प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए तो वो जीवित रह सकता है। सातवें महीने में बच्चे की धड़कन सुनी जा सकती है, वहीं शिशु की लंबाई तकरीबन 32 से 42 सेंटीमीटर तक होती है, उसका वजन लगभग 1100 ग्राम से 1350 ग्राम होता है। आठवें महीने में शिशु की हलचल और अधिक बढ़ जाती है, जिसे माँ बहुत अच्छे से फील कर सकती है। इस समय दिमाग का विकास तेजी से होता है और वो सुनने के साथ साथ देख भी सकता है। फेफड़ों के अलावा अन्य सभी शारीरिक अंगों का विकास हो चुका होता है। आठवें महीने में शिशु की आंखें खुलती हैं और वो जगने और सोने की खास आदतों के लिए एक्टिव रहता है। इस महीने में बेबी का जो वजन है 1700 ग्राम होता है और लंबाई लगभग 42 सेंटीमीटर होती है। अब महिला का नए जीवन को दुनिया में लाने के प्रति उत्साह चरम पर होता है और वो अपने बच्चे के जन्म का इंतजार करने लगती है। नौवें महीने में बच्चे के फेफड़े भी पूरी तरीके से बन चुके होते हैं, शरीर में हलचल बढ़ जाती है, पलके झपकाना, आंखें बंद करना, सिर घुमाना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक गर्भाशय में जगह कम होने के कारण आपके बेबी की हलचल आपको कम महसूस होने लगती है। इस समय बच्चे का वजन 2600 ग्राम और लंबाई लगभग 47.6 सेंटीमीटर होती है। अब बेबी दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जन्म के समय सामान्यतः शिशु का सर पहले बाहर आता है। महिला के प्रेग्नेंट होने से लेकर शिशु की दुनिया में आने की यात्रा अनूठी और कई तरीके के अनुभव अपने आप में समेटे हुई होती है। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, खुलकर जिए और घर में रहकर स्वस्थ रहें। घर से बाहर जरूरी काम होने पर ही जाएं, कोरोना से बचें, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें।